दिल्ली के हमारे भाई हमारे बीच से बंधु राहुल शर्मा जी आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि ये जो कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी, निगम परिषद श्रीमती शर्मा जी, विधानसभा संयोजक मैथुन पत्रिका लगातार कार्यक्रम करती जा रही है। धरती के वीरों को नमन करते हुए हमारी बिटिया श्री अशोक नारायण जी की सुपुत्री प्रियांशी का भी आज जन्मदिन है, उसी कड़ी में एक कड़ी हो रहा है, आप सभी से हैप्पी बर्थडे। इस कड़ी में मास्टर विनोद जी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष श्री देवेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो सुनील भैया कहाँ गए सम्मानित करें। देवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी मैं बहन कुसुम तोमर जी ने भी स्वागत किया है, अभी मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। विधानसभा प्रभारी सुनील राणा जी से अनुरोध करता हूँ कि चादर फैला के वो स्वागत कर दे। अशोक जी आप भी स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। और बाकी जितने भी वरिष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता है वो क्योंकि कोरोना काल है सामाजिक दूरी बना नेताजी कहाँ हो इधर आओ। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मास्टर बहन जी को चश्मा पहनाते हुए क्योंकि बाबा जी को भैया तो आप थोड़ा सा पीछे बेटे थोड़ा सा दूरी बना के बच्चे बहुत परेशान है। मास्टर विनोद जी क्या शुभकामना देंगे मोदी जी के, आज आखिरी सप्ताह है और आज ही जन्मदिन। नहीं सप्ताह हमारा 20 तारीख तक चलने वाला है, 14 से 20 तक सप्ताह चलेगा जी। और ये सेवा सप्ताह में रोज कुछ ना कुछ हमारे मंडलों में कार्यक्रम निगम पार्षद मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं जी। मैं शुभ अवसर पर नरेंद्र मोदी जी और सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो भारत को विश्वपुर बनाने का जो सपना है उसमें कामयाब हो। आज बाबरपुर वार्ड के अंदर ये जो कार्यक्रम हुआ है क्या कहेंगे? बाबरपुर वार्ड में हमारे मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी और निगम पार्षद कुसुम तोमर जी बहुत ही दोनों कर्मठ और तमाम सुनील राणा जी राकेश जी हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ये आज ही कार्यक्रम नहीं हुआ, प्रत्येक दिन 4-5-5-10-10 कार्यक्रम इस वार्ड में हो रहे हैं। ये तो इसमें आज उपस्थिति हुई है हमारी, तो इनको मैं फिर आज तो जन्मदिन के गुब्बारे भी उड़ाए गए। आज जन्मदिन पर इन्होंने गुब्बारे उड़ाए यहाँ पर जो हैप्पी बर्थडे के और खीर की भी बट रही है, समोसे बट रहे हैं,
चश्मे भी बांटे, चश्मे बांटे जा रहे हैं और जो है स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज में ही 5-7 कार्यक्रम इस वार्ड के रहे, जैसे प्रत्येक दिन रहते हैं 14 तारीख से कार्यक्रम कर रहे हैं और 20 तक चलते रहेंगे। मैडम क्या शुभकामना देंगे? सबसे पहले मैं अपने जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ बाबरपुर वार्ड में, कि इतने कीमती समय और इतना व्यस्त समय में से वो समय निकाल कर आए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहनत सफल हो गई है। सुबह 9 बजे से हम लोग लगे हुए हैं, स्वच्छता अभियान चलाया, उसके बाद हमने फॉगिंग और सैनिटाइजर कराया क्षेत्र के अंदर, फिर उसके बाद हम लोगों ने केले वितरण करा, समोसे वितरण करे, उसके बाद चश्मा वितरण करा और केक काटा, खीर वितरण करा और गुब्बारों का माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमने गुब्बारे छुड़वाए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने समस्त वार्ड की तरफ से, अपने समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय पूजनीय और आदरणीय हमारे जन जन के प्रिय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि वो 100 वर्ष जिए और भारत का जो विश्व गुरु का हम सब का सपना उसको पूरा करें। एक बार मिल करके पूरी मंडल की टीम है और जिलाध्यक्ष भी है, गुनगुना दिया जाए मोदी जी के लिए। बिल्कुल, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मोदी जी, हैप्पी बर्थडे। पहले तो सबसे पहले मैं अपने जिला अध्यक्ष जी का इस मंडल में आगमन हुआ, मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हमारे मोदी जी लगे हुए हैं निर्भीक और निडर होके, वो अपने देश के अंदर भी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी विश्वव्यापी नेता बन चुके हैं, मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद जी। क्या शुभकामना देंगे? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस संपूर्ण भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, और इसी कड़ी में बाबरपुर मंडल में मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी और निगम पार्षद कुसुम तोमर जी और अभी अभी नव नियुक्त जिलाध्यक्ष श्री मास्टर विनोद जी का आगमन हुआ, सभी भाइयों बहनों के सहयोग से ये कार्यक्रम सुभाष बंसीवाल जी, कुसुम जी, पूनम जी, प्रीति जी, विकास गोयल जी, हमारे नितिन शर्मा जी, सभी हमारे विधानसभा के आगे बढ़ रहा है और हम ये सेवा सप्ताह 14 से 20 सितंबर तक मना रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जन जन तक पहुंच रहा है और हमें भारत के नागरिकों का बहुत अपार प्यार मिल रहा है। इसी आशा और आकांक्षा और अपेक्षाओं के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ये भारत बढ़ रहा है, मोदी जी बढ़ रहे हैं।